हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, एक और नए दिन के साथ। तो दोस्तों अभी हमने बाइक जुगाड़ पर खड़ी कर दी है। मेन स्टैंड है नहीं क्योंकि इसका पता नहीं कंपनी वाले साथ में देते नहीं, और चैन पहले ही हमने चैन क्लीनर अप्लाई कर दिया है। एक घंटा हो चुका कम से कम, तो चैन को साफ करने के लिए एक ट्रिप की तैयारी हो रही है। देख सकते हो आप, बाइक की सर्विस कर रहे हैं हम। चैन मतलब जंग लग गया था चैन के ऊपर, तो हमने ये क्लीनर है, ये चैन क्लीनर, तो हमने एक घंटा हो चुका है लगाए हुए बाइक के ऊपर, और अभी चैन को साफ करेंगे और फिर चैन पर ल्यूब करेंगे चैन। चलिए देखिए प्रोसेस मैं क्या क्या करता हूँ। चैन को सफाई करनी है पहले, तो इस ब्रश के माध्यम से, इस ब्रश से हम चैन की सफाई करेंगे। ये हमने कल जो प्रोडक्ट मंगाया था इसमें से एक ये है और एक ये है, एक ये है, ये तीन प्रोडक्ट है, और दो और प्रोडक्ट है वो इस प्रोसेस को करने के बाद मैं दो प्रोडक्ट वो आपको दिखाऊंगा। तो अभी हमने चैन को क्लीन कर दिया है इस ब्रश के माध्यम से। अभी पानी डाल के इस चैन को धोएंगे और पूरी बाइक को धोएंगे। चैन को कर लिया हमने क्लीन, अभी पूरी बाइक को साफ करेंगे। तो दोस्तों अभी हमारी गाड़ी एकदम चमक चुकी है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो साफ कर दिया, अभी थोड़ा कपड़ा लेके पहुँचते हैं इसको। अभी भी पानी पड़ा है, थोड़ा थोड़ा साफ करते हैं और फिर करेंगे चैन को वापस से ल्यूब उससे। ये क्लीनर है, वो चैन ल्यूबर है। साफ करते हैं और फिर मिलते हैं आप। तो दोस्तों अभी हमने चैन को ल्यूब कर लिया है, साफ कर लिया चैन को, फिर से लगा दिया है ऊपर ल्यूब। तो अभी टकाटक है, कपड़े चेंज करते हैं फटाफट से और दूसरे आपको जो प्रोडक्ट आया वो दिखाते हैं। अभी कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, बाइक स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं दुकान पर। दुकान पर वो दुकान से वापस आने के बाद उन दोनों को अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि दुकान पर जाना था, अर्जेंट काम था। ये चश्मा हमने लगा दिया, चश्मा कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर। तो अभी मैं आ चुका हूँ दुकान से घर पे, और प्रोडक्ट दिखाने की बारी है, कौन कौन से प्रोडक्ट आए नए। एक तो अनबॉक्सिंग कर लिया था सुबह, वो चैन ल्यूब था, वो ये रहा, और बाकी के मैंने इधर रखे, ये अब खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर। और ये है दूसरी चीज़, ये क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ खोल के, किधर से खुलेगा यार, कुछ खोलने के लिए नहीं है। एक मिनट को चाबी लेके आता हूँ, ये रही चाबी, इससे खोलेंगे। ये देखो खुल गया ना, वाओ, ये रहा माइक मोनो का, मोनो AU 400। ये माइक देखो, कुछ देख सकते हो। और दूसरा ये है, इसमें क्या है, ये मुलायम मुलायम है, इसको खोलते हैं। ये इसके कुछ नहीं है, इनको रखते हैं इधर, ये रही चाबी, इधर रखते हैं इसको। इसके अंदर है ये चीज़, अब बोलोगे ये क्या है यार राम साहब, ये है माइक के ऊपर रखने वाला, वो होता है ना आवाज़ कम आती है, ये वो चीज़ है। ये हम लगाएंगे माइक के ऊपर, इसको भी खोलते हैं। इनका इसको यार अनबॉक्सिंग करना बहुत मुश्किल काम है यार, बहुत मुश्किल काम है। इसके अंदर वो कुछ नहीं, कुछ नहीं है इसके अंदर, इसको खोलते हैं, हटाओ सभी को। इसके अंदर से निकलेगा हमारे लिए ये छोटा सा नन्ना सा माइक जो हेलमेट के अंदर लगेगा, ये इनके कुछ एसेसरी है, तो ये इसके ऊपर लगेगा आवाज़ सही आने के लिए। हे खबड़ी यार, बंदे में दिमाग तो है। ये माइक कुछ इतना सा लंबा है, ज़्यादा नहीं है, बस कितना है, 1 मीटर के आसपास है। मैं माइक लगा के आवाज़ आपको दिखाता हूँ ना। और हाँ, काफ़ी देर मशक्कत के बाद हमें ये पिन मिल चुकी है, इसको डालते हैं इसके अंदर। ये कन्वर्टर है बीच का, ये भी एक कन्वर्टर है, और डालते हैं इसके अंदर, देखते हैं फिर आवाज़ कैसी आती है। तो अभी माइक तो हमने लगा लिया है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है, कुछ और या कन्वर्टर जुगाड़ करना पड़ेगा, इसके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है। ये हम लाए थे, बहुत बड़ा नटखट हो रहा है, नोटी हो रहा है कि ये देखो, ये ऐसी मतलब आवाज़ एकदम साफ जाएगी, विंड नहीं आएगी अंदर, ठीक है ना, इसलिए हम ये लेके आए थे। ये लगेगा हेलमेट के अंदर, ऐसे ऐसे इसके ऊपर रखेंगे ऐसे इसको,
और यहाँ से आवाज आएगी। ये कुछ प्रोडक्ट सारे इतने खोखों में से इतना ही निकला है बस कुछ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। कल हम जा रहे हैं किसी ट्रिप पर, तो बने रहिए वीडियो में। आ गया सामान सारा, एक कुछ गड़बड़ है वो माइक वाला, वो हम कल जुगाड़ कर लेंगे किधर किधर से। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।